आपका नाम? मरियम। मरियम मरियम, अच्छा। आपका डिपार्टमेंट? टेक्सटाइल डिजाइन। टेक्सटाइल डिजाइन। आपका फेवरेट लीडर? जो मेरा अभी करंटली फेवरेट लीडर है वो है इमरान खान। इमरान खान। रीजन? रीज़न ये है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो सिविल सुप्रीमेसी में बिलीव करता हूँ और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इज़ अ गुड अल्टरनेटिव। ओके, ये वर्ल्ड लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, आई विल प्रिवेंट एंड वेरी इजीली वर्ल्ड वॉर 3 वेरी इजीली। बड़ा मैं उसको समझता हूँ, बड़ा एग्रेसिव, तगड़ा वो लीडर है, और जिस तरह से वो बात करता है और सारी उसकी जो भी एनालिसिस वगैरह और जो थिंकिंग है ना उसकी, वो मतलब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको आपको स्क्रिप्ट दो और पढ़ के आपको उसके बारे में बताए, वो अपने आप से बात, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर रहा है शुरू से। अपने आप से तो इमरान खान भी बात करते हैं। हाँ, इमरान खान को आप उससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के भी एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं शुरू से थ्रू आउट, जहाँ से उसने उसकी बर्थ थी, फिर वो स्टार्ट उसने जहाँ से की एजुकेशन की, और जिस तरह वो रहा है क्रिकेट में भी, तो उसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट लीडर तो खान ही है। खान है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो अच्छे दिल का बंदा था, उसने पाकिस्तान को एक किस्म से संभाला था सही। मैं खुद अपना लीडर हूँ। आप अपने खुद लीडर हो? जी। आप में ऐसा क्या है जो आप अपने लीडर हो? मैं ऐसा क्या नहीं है कि मैं लीडर नहीं हूँ। एक क्वालिटी सबसे ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। ओके, क्यों उठते हो? नमाज के लिए। 4 बजे तो एक माली भी उठता है ना वो पौधों को पानी देने के लिए। ये मेरा टाइमिंग है ना उठने का, 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद फुल प्रिपेयर, नहा धो कर नमाज पढ़ने जाता हूँ। ओके, आता हूं। तुम 4 बजे उठते हो तो इसलिए आप लीडर हो? नहीं नहीं, आपकी कमाल है, मेरे में कौन सी कमी है? आपके अलावा आपका लीडर कौन? खान साहब। खान साहब। इमरान खान, ऑब्वियसली। इमरान खान। रीजन, एक अच्छी बात बताएं। ही इज क्वाइट ब्लंट, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ईमानदार हैं। करंट जो मैंने स्टडी किया उसमें नेल्सन मंडेला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 इयर्स उसने जो है वो कैद में रहे, वो जेल में था, लेकिन ही नेवर गिव अप। बड़ी कुर्बानी दी है उसने बहुत, और उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपनी जो फ्रीडम था, जो ब्लैक लोगों के जो राइट्स थे उसके ऊपर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फेवरेट लीडर का नाम है इया का नाम दो भैया का नस्ताई। अच्छा, उसकी वजह? बस दिल को अच्छे लगे, आई थिंक सबकी यही सिचुएशन। सबकी यही सिचुएशन है। मतलब एक अच्छी बात आपको क्या लगी उसमें? बहुत रिजिलिएंट है। okay. और नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानता। इमरान खान। इमरान खान प्रेजेंट। हां। ओके, and we will fight. Reason? यार इसके अंदर ना हर लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज होते हैं, तो वो क्वालिटीज देखो ना, दुनिया में जो भी लीडर गुजरे हैं ना, तो कुछ क्वालिटीज हर लीडर के अंदर कॉमन होती है। कॉमन होती है। तो जो दुनिया में बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं ना, वो क्वालिटीज इस इंसान के अंदर मौजूद हैं। मौजूद हैं। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी आपको कौन सी लगी उसकी? इसके विल होता है, ये बंदे के अंदर विल है, विल पावर है। इया कनाबुद इया कनस्ताइन। ओके, इया कनाबुद इया कनस्ताइन, क्यों? ही इज अ ब्रेव लीडर। ब्रेव है। इया कनाबुद इया कनस्ताइन, बाकी आप समझदार हैं। माय बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन, समझ गए होंगे। फेवरेट लीडर ओनली एंड ओनली इमरान खान। इमरान खान, जोर से ना बोलो, लोग डर जाते हैं। अरे डरने दें, लोग डरते रहेंगे। ओके, जिसका वजह क्या है? वजह तो बहुत सिंपल सी वजह है, अब भी आ जाना चाहते हैं तो ये भी खान के फैन होंगे। देखें, वजह बहुत सिंपल सी वजह है कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं ये सोचता हूँ कि देखें, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ठीक है। और जब हम देखते हैं हमारा लीडर, ठीक है, तो लीडर कौन होता है? एक पॉलिटिकल लीडर होता है, एक इस्लामिकल लीडर होता है, और एक बंदा जिसमें ये दोनों चीज़ें हों उसको कहते हैं इमरान खान, ठीक है। मेरा फेवरेट लीडर इमरान खान है। रीज़न? रीज़न ये है कि एक तो वेल एजुकेटेड है और इनका एक माइंड सेटअप जो है जो न्यू जनरेशन के लिए है,
वो बहुत पसंद है हमें, क्योंकि लास्ट आप सबको जैसे पता है कि 3 साल वो रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन पे बहुत काम, एजुकेशन पे वाकई बहुत काम किया है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन रही थी जो कि अब नहीं बन रही है क्योंकि रुक गई हैं उनकी वजह से, तो वो जो स्टेप था वो बहुत अच्छा था स्टूडेंट्स के लिए भी, उनकी फंडिंग के लिए भी, स्कॉलरशिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें की एजुकेशन के। जी बिल्कुल। वन एंड ऑल इमरान खान। इमरान खान वजह क्या है? बस पसंद है। एक रीज़न बता। झुकता नहीं है। इमरान खान रीज़न क्या है? रीज़न इसका यह है कि ही इज़ वेरी ब्रेव और हार नहीं मानता है, और जो मतलब मुल्क के लिए जो है वो बहुत लॉयल है। और मैं मतलब अगर वो एज अ लीडर यहाँ आ जाए तो मुझे लगता है कि जो हालात आजकल चल रहे हैं वो इम्प्रूव हो सकता है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है। थैंक यू। मुझे पता था आपको पता नहीं।